नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल में, जिसमें हम आज बात करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अपडेट चेक। अब सीधे 3 गुना होगा EPS पेंशन। चेक करें इस योजना का जो है नोटिफिकेशन, हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज ही इसके बारे में ही पूरी बात करेंगे, तो जुड़े रहें पूरी वीडियो में। और हम वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, आप वीडियो पर तो आ जाते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वीडियो में कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो आपको अपडेट है जो समय समय पर मिलती रहे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अपडेट, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए अहम खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंशधारकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बाद एक संसदीय समिति EPS पेंशन फंड को मौजूदा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगी। हालांकि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वृद्धि की राशि ज्ञात नहीं है, जो है वीडियो में जुड़े रहें, पूरा बताएंगे कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं। कर्मचारी पेंशन योजना में मिली जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय और EPFO के आला अधिकारी ने गुरुवार को विजात संसद पत्र हरी महातब के अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को EPS पेंशन स्कीम जो है पेंशन फंड योजना के संचालन और उसके कोष के प्रबंध की जानकारी दी। अधिकारियों ने समिति को सूचित किया कि वित्त मंत्रालय मासिक पेंशन में किसी भी वृद्धि के श्रम मंत्रालय में प्रस्ताव से सहमत नहीं है। इसके बाद EPFO समिति ने इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त वर्ष मंत्रालय शीर्ष अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम समिति ने अपनी रिपोर्ट में सदस्य विधवा पेंशन भोगी को दे न्यूनतम मासिक पेंशन को कम से कम 2000 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह EPS पेंशन फंड प्रस्ताव रखा था। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में बदलाव, गैरतालाब है कि EPFO कर्मचारियों पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत 6 महीने से कम समय में सेवानिवृत्त होने वाली कर्मचारियों की जमा राशि निकालने पर सहमत हो गया है। अब तक कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के अंशधारकों को EPS पेंशन फंड खाते से केवल तभी जमा निकालने की अनुमति है जब सेवा के 6 महीने से कम समय बचा हो। इस फैसले का मतलब है कि अब EPFO के ग्राहक EPS पेंशन फंड से भी पैसा निकाल सकेंगे। EPFO ने सब्सक्राइबरों के लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO खाताधारकों EPFO सब्सक्राइब को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। ET न्यू स्वदेश की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एम्प्लॉय EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़
कि अगले महीने बैठक होने वाली है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन स्कीम पेंशन फंड में 3 गुना वृद्धि पर चर्चा होने की उम्मीद है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम रिपोर्ट के मुताबिक श्रम सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द ही इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। इस फैसले से ईपीएफओ के करीब 6.5 लाख ईपीएस पेंशन फंड भोगियों और 5 करोड़ अंशधारकों को फायदा होगा। ईपीएस एक्टिविटी में निवेश की सीमा में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना एक्टिविटी की स्कीम को 15% से बढ़ाकर 25% करने पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि मजदूरी संघ एक्टिविटी में निवेश बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे वह शेयर बाजार में अनिश्चितता की वजह बता रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन स्कीम पेंशन फंड ग्राहकों को झटका देते हुए वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज दर की घोषणा की थी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यह 4-10 में सबसे निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% थी। सरकार ने इस फैसले का असर 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइब यानी 6.5 करोड़ नौकरी चाहने वालों को पर पड़ा। घटती ब्याज दर के बीच में आकर्षक बनाए रखने के लिए सरकार ईपीएफओ ईपीएस पेंशन फंड से शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्द ही कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन 3 गुना हो सकती है। जैसा कि हमने बताया, अगली बैठक में इसके ऊपर चर्चा बन सकती है। इसीलिए हम आपको बता दें कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए समय से। अगर आपको समय से अपडेट मिलेगी तो आप जागरूक हो जाएंगे, आपको पता रहेगा। अपडेट जितनी जल्दी इंसान को मिल जाए उतना बेटर रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।